नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद निकुंज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 25 मई और 25 मई को लेकर जितने भी करंट जीके के क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, पहला फैक्ट है, हाल ही में 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 24 मई को मनाया जाता है। 24 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 मई को जो रानी विक्टोरिया थी उनका बर्थडे था, उनका जन्म हुआ, इसलिए उनके जन्म दिवस की याद में इसको मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। अब देखिए, राष्ट्रमंडल आ जाता है चर्चा में, जो राष्ट्रमंडल संगठन है यानी कॉमनवेल्थ संगठन है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 26, आपको इसके तारीख याद रखनी है, यानी 19 नवंबर 1926 में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर। और इसके वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 54 है। कितनी है? 54 है। और राष्ट्रमंडल का जो संगठन है इसका वर्तमान में जो महासचिव है उनका नाम है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, जो कि कैरिबियाई की रहने वाली एक महिला है। ये फैक्ट बहुत है, आगे देखते हैं मित्रों। अभी हाल ही में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने 100 विकासशील देशों के लिए 160 बिलियन डॉलर की घोषणा की है। तो ये घोषणा किसने की है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है। तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के जो हेड है उनका नाम है डेविड मालपास। क्या नाम है? डेविड मालपास। और वर्तमान में जो विश्व बैंक है इसके सदस्य देशों की बात करते हैं तो 189 इसके सदस्य देश है। इसी प्रकार इस वर्ल्ड बैंक का जो वर्तमान में अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया वो किया गया कॉर्मेन रेनहॉट को। तो इसके वर्तमान में जो अर्थशास्त्री उनका नाम है कॉर्मेन रेनहॉट। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। अभी हाल ही में देखिएगा, हाल ही में TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, TS त्रिमूर्ति से पहले सैयद अकबरुद्दीन थे लेकिन वो रिटायरमेंट हो गए, उसके बाद में इनको नियुक्त किया गया था। और अब ये कौन बन गए हैं? इनका नाम पता होना चाहिए, TS त्रिमूर्ति। अब कहाँ पर बने? ये UNO बने। तो UNO के बारे में जान लेते हैं। UNO का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को UNO दिवस मनाया जाता है। और UNO का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में इसके जो हेड है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस और इसके सदस्यों की संख्या है 193। UNO के सदस्य संख्या कितना है? 193 है। अगला फैक्ट देखते हैं मित्रों। हाल ही में एयरटेल क्या है? हाल ही में एक मिनट, हाल ही में एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने AI स्टार्टअप वॉइसजन में 10% हिस्सेदारी खरीदी है। किसने खरीदी है? एयरटेल ने खरीदी है। तो AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एयरटेल के बारे में जान लेते हैं। इसमें देखिए, एयरटेल की जो स्थापना हुई थी वो 7 जुलाई 1995 को हुई। और एयरटेल का जो हेडक्वार्टर है, एयरटेल का हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके चेयरमैन सुनील भारती मित्तल है। कौन है? सुनील भारती मित्तल है। और इसके वर्तमान में MD और मुख्य CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या हिंदी में इसको बोल सकते हो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो इनका नाम है गोपाल विट्टल। ठीक है, इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। आगे देखते हैं मित्रों। अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी ने अल्जाइमर रोग के लिए इलाज के लिए एक नया तरीका ढूंढा है। तो अल्जाइमर रोग है, इसके लिए किसने नया तरीका ढूंढा है? IIT गुवाहाटी ने ढूंढा है। ठीक है, आगे देखते हैं मित्रों। हाल ही में नोआमी ओसाका, किसने? नोआमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है। तो अब ये नोआमी ओसाका विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये रहने वाली कहाँ की है? पहली बात तो ये इसका संबंध जापान से, कहाँ पे है? जापान से है। और इससे पहले जो विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली जो महिला में जिसका नाम आता था तो उसमें नाम था सेरेना विलियम्स का, लेकिन अब किसका हो गया? नोआमी ओसाका का हो गया। और ये कितना वेतन पाती है? 37.37
कितना 37.74 मिलियन डॉलर इसने वेतन प्राप्त किया एक साल भर में, 12 महीने में। ठीक है, इसलिए अब ये आ गई है एक नंबर पे, नाओमी ओसाका। आगे देखते हैं मित्रों, हाल ही में जापान देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक स्पेस डिफेंस यूनिट लॉन्च की है। किसने की है? जापान के द्वारा की गई है। तो जापान की सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, जक्सा। क्या नाम है? JAXA, जक्सा नाम है। इसको जक्सा का पूरा नाम मिलता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसका कई बार पूरा नाम पूछा गया है। इसी प्रकार देखिए, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? नासा। क्या नाम है? नासा। तो उसका भी पता होना चाहिए कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी क्या नाम है? नासा, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन उसका पूरा नाम है। इसी प्रकार देखिए मित्रों, जो भारत की स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो है। क्या है? इसरो। इसरो का होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। इसी प्रकार चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम भी आपको पता होना, साथ में ध्यान रखिए, उसका नाम है CNSA, यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब अगर कोई ऐसी स्पेस एजेंसी आ जाती है तो जो मुख्य मुख्य देश है उनकी स्पेस एजेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार आपस में एक तरफ एजेंसी का नाम दे दिया जाता है और पूछा, एक तरफ देश का नाम दे दिया जाता है, इनको सम्मिलित करवा लिया जाता है, ये पूछा जाता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। ठीक है, अब जापान देश चर्चा में आया तो जापान के बारे में और जान लेते हैं। देखिए, जो जापान में अभी ओलंपिक गेम होने वाले थे लेकिन COVID-19 की वजह से हुए नहीं, स्थगित कर दिए इनको साल भर के लिए। इसी प्रकार देखिए, जापान की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो है। यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है येन। मुद्रा कौन चलती है जापान में? येन चलती है। यहाँ की जो संसद है उसको डाइट के नाम से जाना जाता है। जापान के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है शिंजो एबे। क्या नाम है? शिंजो एबे। वर्तमान में यहाँ के देखिए राजा जो सम्राट है उसका नाम है नारुहितो। और जापान कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान को ही उगते सूर्य का देश के नाम से भी जाना जाता है। इतने सारे फैक्ट बहुत है। आगे चलते हैं मित्रों, देखिएगा, अभी हाल ही में उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया है? उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को जोड़ा गया। इसमें बहुत सारी सेवाएं काम कर रही है उमंग ऐप में। इसी प्रकार इसमें जो मौसम से संबंधित सेवाएं उनको भी इसमें जोड़ दिया गया। किसमें? उमंग ऐप में। तो सबसे पहले तो आपको उमंग का पूरा नाम पता होना चाहिए। उमंग का पूरा नाम होता है यानी कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका पूरा नाम है उमंग का। और ये मौसम सेवाओं से संबंधित है, तो मौसम विभाग के बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है मौसम विभाग, ध्यान रखना। पहली बात तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग, उसके जो महानिदेशक है उनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा। क्या नाम है? मृत्युंजय महापात्रा, वो आपको याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं मित्रों, देखिए, अभी हाल ही में चीन सरकार ने ऑस्ट्रेलिया देश के निर्यात पर 80% टैरिफ लगा दिया, यानी कर लगा दिया है। कितना लगा दिया? 80%। क्योंकि अभी COVID-19 को लेकर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये मांग की गई थी कि इसके जो तथ्य हैं वो चाइना के द्वारा छुपाए गए हैं, इस COVID-19 को लेकर, इस महामारी को लेकर, तो इसकी एक स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए। कई देशों ने इसका समर्थन भी किया। तो अब ऑस्ट्रेलिया से नाराज हो गया चाइना। तो चाइना ने इसके ऊपर 80% टैरिफ लगा दिया है। अब लगाया किसने? चाइना ने। तो चाइना के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। किस पर लगाया? ऑस्ट्रेलिया पर। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान में जो राजधानी वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ की जो संसद है उसको पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री वो स्कॉट मॉरिसन है, जो कि 30वें नंबर के, 30 कौन से नंबर के हैं? 30वें नंबर के हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ही है। इसी प्रकार अब चाइना के बारे में जान लेते हैं मित्रों। चाइना
देखिए, चाइना भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। चाइना की जो राजधानी है वो बीजिंग है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रेनमिनबी या युआन, और चाइना की संसद को पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी है। इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं चीन का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है विश्व में। कौन सा स्थान है इसका? चौथा स्थान है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में पहला है। वर्तमान यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है शी जिनपिंग। क्या नाम है यहाँ के राष्ट्रपति का? शी जिनपिंग है। और वर्तमान में जो यहाँ पे प्रधानमंत्री ली केक्यांग है। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए चीन और भारत के मध्य जो सीमा रेखा उसको किस नाम से जाना जाता है? मैकमोन रेखा के नाम से जाना जाता है। चीन का सबसे बड़ा नगर है संघाई नगर। तो दोस्तों ये थे आज की करंट जी के। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।